जेएनयू में हुई हिंसक घटनाओं पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आरोपियों का जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने छात्र संघ अध्यक्ष पर हुए हमले की निंदा की तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जेएनयू में हुई हिंसक घटनाओं पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आरोपियों का जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने छात्र संघ अध्यक्ष पर हुए हमले की निंदा की तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अनीता वर्मा ने कहा कि जेएनयू का इतिहास काफी पुराना है और यहाँ के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश के कई विभागों के प्रमुख पदों पर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताया है कि हिंसक घटना में शामिल आरोपियों की जानकारी होने के बावजूद भी सरकार आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अनीता वर्मा ने कहा कि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा को हमले में घायल किया जाता है लेकिन सरकार ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि छात्र हिंसा में शामिल हुए युवाओं पर आज कार्रवाई करना जरूरी है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे जेएनयू में हुई घटना पर कार्रवाई करवाएं और जेएनयू के छात्रों को न्याय दिलवाएं। जेएनयू जो है वो एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे भविष्य के जो भारत वर्ष के नागरिक हैं वहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं और वहाँ से निकलकर बहुत अच्छे अच्छे औहदों पर जाकर इस देश की हमारी सेवा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि रात को एक गुंडा का दल आता है, वहाँ पर हमला करता है, उसके वीडियोस भी हैं, उसके बारे में आपके बड़े बड़े वहाँ पर चिन्ह हैं जो बताते हैं, दर्शाते हैं कि उन्होंने गलत किया है और उनको आइडेंटिफाई भी किया गया है वीडियो के तहत। पर अफसोस की बात है, सेंटर की सरकार, दिल्ली की सरकार कोई भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 3 दिन हो गए हैं और एक हमारी बच्ची जिसको इतनी बुरी तरह से पीटा है, उसके हाथ पे प्लास्टर लगा है, सिर पर चोट लगी है, उस बेचारी लड़की के ऊपर भी कोई किसी किस्म की सरकार ने ये नहीं दिखाया कि हाँ भाई इस लड़की के साथ जास्ती हुई है, जिन्होंने की है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। और आज स्टूडेंट्स को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है और अगर वो अपने इस युवा समय पर कोई ना कोई ऐसे आपराधिक कांड करते हैं तो उनको समझाना और उनके ऊपर आज एक्शन लेना ज़रूरी है, कल को नहीं तो वो अच्छे नागरिक नहीं रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सरकार है, बेशक सेंटर की या स्टेट की, वो इन लोगों पर कार्रवाई करें और न्याय दिलाएं हमारे जेएनयू के बच्चों। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि जेएनयू में छात्रों की पिटाई में बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार व पुलिस के सामने जेएनयू में हिंसा हुई है और इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर ने हिंसा को फांसीवाद की निशानी करार दिया है और कहा कि देश की जनता इस तरह की घटनाओं को कभी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जेएनयू में आरएसएस का अड्डा बनाने पर तुली हुई है। ये बीजेपी सरकार द्वारा ही करवाया गया काम है। आज वो हिंदू रक्षा वाहिनी के नाम से कह रहे हैं पर उसमें बहुत सारे लोग जो है आप देखिए, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रोफेसर मार दिए, बच्चे मार दिए, हॉस्टल तोड़ दिया, सरकारी संपत्ति, और अगर किसी ने किया होता तो उसी से मैं उठा लेते। इसका मतलब क्या है कि सरकार की शय पर ये सारा काम हुआ। सारे गेट, जिन गेटों से एंट्री हुआ, जिन गेटों से बाहर गए, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ जो है नियते खड़े रहे, पुलिस नियती खड़ी रही, ये सारा तमाशा पुलिस की प्रेजेंस में हुआ, सिक्योरिटी की प्रेजेंस में हुआ, वाइस चांसलर की प्रेजेंस में हुआ। और ये फांसीवाद का निशानी है, जो हिटलर शाही है उसका निशानी है और इसको देश की जनता इसको कबूल नहीं करेगी। और उसका नतीजा है हमीरपुर से लेकर शिमला से लेकर विदेशों में भी प्रदर्शन हुए इसके खिलाफ। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो पूरे देश में रिसर्च का केंद्र है, पूरे देश को अर्थशास्त्री देता है और पूरे देश को बहुत नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को वास्तव में तबाह करना चाहते हैं, वहाँ आरएसएस का अड्डा बनाना चाहते हैं उसको, और देश की जनता को कतई मंजूर नहीं है। लोग उसका जवाब दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं जवाब उसका। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।